हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। जो आज की हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है वो 3 BHK रहेगी 100 गज में। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो इसकी लोकेशन रहेगी बालूद्यान रोड। नियरेस्ट में इसके आरएसमाज मार्केट रहने वाली है जो कि हमारी उत्तम नगर की मेन मार्केट होने वाली है। और नियर में इसके उत्तम नगर वेस्ट रहेगा। मेन रोड से मात्र 200 मीटर की दूरी पे हमारा ये फ्लैट रहने वाला है और 300 मीटर की दूरी पे हमारा इससे मेट्रो स्टेशन रहेगा जो कि हमारा उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा। इसकी डिटेल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक मिनट का टीजर देख कर आते हैं। इसकी डिटेल वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं यहाँ का आपको नक्शा समझा देती हूँ। 3 BHK रहेगा, 100 गज ऑन पेपर रहने वाला है, 2 साइड ओपन रहेगा हमारा ये वाला फ्लैट, फुली फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड दोनों के ऑप्शंस रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ 3 हमारे इसमें बेडरूम होने वाले हैं जो कि 2 बेडरूम हमारे बालकनी से अटैच रहेंगे और 1 हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा और 1 वॉशरूम हमारा हमारे लास्ट वाले बेडरूम से अटैच रहने वाला है। यानी कि 3 हमारे इसमें बेडरूम रहेंगे, ओपन में हमारी मॉड्यूलर किचन होने वाली है, सेपरेटली हमें इसमें मंदिर का प्रोविजन मिलेगा, फ्रंट साइड की गैलरी और हमारी एक बैक साइड की गैलरी रहेगी, सेपरेटली वॉशिंग एरिया मिलेगा। मतलब जितनी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है वो ये फ्लैट हमारी एक एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो उसी के साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लिविंग एरिया से। आप देख सकते हैं कितना शानदार रहने वाला हमारा लिविंग एरिया, कितना ह्यूज रहेगा। एल कॉर्नर के सोफा के बाद भी इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है। फ्रंट साइड पे हमारा LED पैनल रहेगा, पूरी लोअर फिटिंग के साथ कितने शानदार डिज़ाइन की गई है वॉल। इस साइड पे प्रॉपर पेंट करा के दिया गया है, आपको देख सकते हैं टेक्सचर प्रिंट रहने वाला हमारी वॉल्स पे। कितना शानदार हमारा शैंडेल रहेगा जो कि हमारा 3 शेडेड में रहने वाला है। उसी के साथ साथ जितने भी फिटिंग्स वगैरह हैं प्रॉपर आपको करवा कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सेपरेटली आपको कॉलम दिया गया है, कितने शानदार इसमें शोपीसेस लगा के दिए गए हैं। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें अपना मटेरियल रखना हो तो आप इजीली इसमें रख सकते हो। सेपरेटली हमारा मंदिर रहने वाला है, सिंपल सोबर। नीचे भी इसमें सारे ड्रॉर्स दिए गए हैं, आपकी पूजा सामग्री हो या कुछ भी आपका सामान हो, बुक्स वगैरह हो, वो आप इजीली इसमें रख सकते हो। तो यहीं से होते हुए हम चलते हैं हमारी किचन की ओर जो कि हमारी ओपन में मॉड्यूलर किचन होने वाली है। इसमें हमारा सेपरेटली क्रॉकरी के लिए भी कॉलम दिया गया है। एक बार हम नजर मारते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशियस होने वाली है हमारी। जो भी कांच का मटेरियल होगा, क्रॉकरी होगा, इजीली इसमें हमारा आ जाएगा। उसी के साथ साथ कैबिनेट्स देखेंगे कितने शानदार रहने वाले हैं। इस पे वुडन वर्क ना करवा के पूरे इस पे मिरर वर्क करा के दिया गया है। ये सारा हमारा वुडन रहने वाला है, बहुत ही स्पेशियस होने वाली है। उसी के साथ साथ एक बार हम नजर मारेंगे हमारी फॉल सीलिंग पे, जो कि हमारी किचन की फॉल सीलिंग बहुत ही एलिगेंट होने वाली है। इस साइड सारा हमारा वॉशिंग एरिया रहेगा, इस साइड हमारा आरओ का प्रोविजन रहने वाला है सेपरेटली। उसी के साथ साथ यहाँ पे चिमनी आपको फिटेड करा के दी जाएगी 2 ईयर्स वारंटी के साथ। और जितने भी ड्रॉर्स वगैरह हैं सब बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस हैं और हमारे हाइड्रोलिक रहने वाले हैं। एक बार हम नज़र मारेंगे इसमें सेपरेटली हर चीज़ का कॉलम आपको डिफरेंट तरीके से दिया गया है। जो भी हमारा किचन का मटेरियल होगा वो ईजिली इसमें आ जाए। मैंने इसको कितना तेज़ मारा और ये ईजिली हमारा अंदर हो गया। तो ये तो थी हमारी किचन। यहीं से होते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। सेंटर में हमारी लॉबी भी रहने वाली है। इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी शानदार लाइट्स लगा के दी गई हैं आपको। तो इस साइड रहने वाला हमारा कॉमन वॉशरूम, जितनी भी सैनिटरी है 2 ईयर्स वारंटी के साथ, अप टू रूफ टाइल्स वगैरह रहेंगी। वेंटिलेशन की बात करें तो एग्जॉस्ट की फिटिंग दी गई है, मतलब सारी फिटिंग्स एज इट इज इसमें दी गई हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा।
इसमें कितना ज्यादा स्पेशियस होने वाला हमारा ये फर्स्ट बेडरूम। वेंटिलेशन की बात करें, वेंटिलेशन के हिसाब से भी इस साइड हमारी शाफ्ट रहने वाली है। एसी की डक्टिंग हमारी स्प्लिट एसी की डक्टिंग रहेगी। एक बार हम नजर मारेंगे हमारी वार्डरोब्स पे, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशियस होने वाली है। हैंगिंग सिस्टम भी है इसके अंदर, कुछ तय करके रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। ड्रॉअर भी है, मतलब बहुत स्पेशियस रहने वाली है। उसी के साथ साथ इसमें अटैच हमारा स्टडी टेबल रहने वाला है, मतलब बच्चों के पर्पज से या किसी बड़े ने कुछ भी काम करना हो यहाँ पे इजिली अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हैं। स्लॉट्स वगैरह दिए गए हैं, इधर चेयर लगा के हम इसको अपना स्टडी टेबल बना सकते हैं। अटैच ड्रॉअर्स हैं, जितना भी मटेरियल आप रख सकते हो। वॉल पे भी कोई वॉलपेपर कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन की गई है वॉल, आप देख सकते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हमारे वॉल का भी। अब यहीं से होते हुए मैं आपको हमारा सेकेंड मास्टर बेडरूम रहूंगी, जो कि हमारा बालकनी से अटैच रहेगा फ्रंट साइड की। बिल्कुल इसके नियर में हमारी मेन मार्केट रहने वाली है, जो कि हमारी आरएसमाज रोड मार्केट रहेगी। आप देखते कितना ज्यादा स्पेशियस रहेगा हमारा ये सेकेंड बेडरूम। इसमें हमारी वार्डरोब्स हैं, उसके बाद भी इस रूम में इतना स्पेस है कि आपकी दो वार्डरोब्स और इजिली इसमें आ सकती है। अगर वेंटिलेशन की बात करें तो फ्रंट साइड का है, इस साइड भी हमारी एसी की डक्टिंग है, विंडोज वगैरह हैं। तो एक बार हम नजर मारते हैं हमारी वार्डरोब्स पे, कितनी ज्यादा स्पेशियस होने वाली है अटैच ड्रॉर्स के साथ। इसमें हैंगिंग सिस्टम भी है, तय करके भी इजिली कुछ स्टोर करके भी रखना हो हम इजिली इस पे रख सकते हैं। किंग साइज का बेड रहेगा हमारा, वॉल पे प्रॉपर कुल्टिंग करा के दी गई है। एसी की डक्टिंग हमारी इस साइड रहने वाली है। एक बार हम नजर मारेंगे हमारी फॉल सीलिंग पे, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर हमारी फॉल सीलिंग रहने वाली है। यहीं से होते हुए चलते हैं हमारे फ्रंट साइड की बालकनी की ओर। आइए, फ्रंट साइड की हमारी 20 फुट की रोड रहेगी, बिल्कुल इससे सामने हमारी मेन मार्केट रहने वाली है, आरएसमाज रोड मार्केट। स्टेनलेस स्टील की हमारी रेलिंग रहने वाली है, इसमें अटैच हमारे मिरर्स रहेंगे। फ्रंट साइड की 20 फुट की रोड रहेगी, बैक साइड की हमारी 10 फुट की रहने वाली है। वॉशिंग एरिया हमारा इस साइड रहने वाला है, स्लॉट भी प्रॉपर दिया गया है, ड्रेन पाइप टैप, मतलब आप इधर भी वॉशिंग एरिया अपना इजीली यूज कर सकते हैं। और जो मेरी बैक साइड की गैलरी है उसमें भी प्रॉपर तरीके से वॉशिंग एरिया बनाया गया है। अपनी लॉबी से होते हुए हमारे लास्ट बेडरूम की ओर चलेंगे, जो कि हमारा फ्लैट का इस टाइम लास्ट बेडरूम रहेगा। जैसे फर्स्ट बेडरूम से मैं आई, सेकेंड बेडरूम हमारा ये हुआ, कॉमन वॉशरूम, ओपन में हमारी मॉड्यूलर किचन, सेपरेट में हमारा मंदिर, ये हमारा लिविंग एरिया। अब यहीं से होते हुए चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम की ओर। आइए, तो ये होने वाला हमारा थर्ड बेडरूम और हमारा लास्ट बेडरूम, जो कि वॉशरूम और बालकनी दोनों से अटैच रहेगा। कितना ज्यादा स्पेशियस होने वाला है, इसमें भी इस साइड पे प्रॉपर वार्डरोब बना के दी गई है डिफरेंट तरीके से। आपने तीनों उसमें देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वार्डरोब डिजाइन की गई है। वेंटिलेशन की अगर हम बात करें, इस साइड प्रॉपर विंडोज लगा के इस साइड हमारा एसी का प्रोविजन रहेगा, जो कि हमारा विंडो एसी का प्रोविजन रहने वाला है। एक बार हम नजर मारते हैं हमारी फॉल सीलिंग पे, सब पे आपको डिफरेंट तरीके की फॉल सीलिंग्स मिलेंगी। इसमें भी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कितनी शानदार डिजाइन की गई है लोअर फिटिंग के साथ हमारी ये वॉल। अटैच में इसका हमारा वॉशरूम रहेगा। तो इस साइड रहने वाली हमारी बैक साइड की बालकनी, एक बार हम नजर मारेंगे, इसकी रोड हमारी 10 फुट रहेगी, टू साइड ओपन रहने वाला है, सन फेसिंग रहेगा हमारा ये फ्लैट। आप देख सकते हैं इस टाइम मैं धूप में खड़ी हूँ, इजिली धूप मेरे बिल्कुल मुंह पर पड़ रही है। और इस साइड रहेगा हमारा वॉशिंग एरिया, जो फ्रंट साइड पे भी था और बैक साइड पे भी है, वो आपकी चॉइस है आपने किस साइड पे वॉशिंग एरिया हमारा बनाना है। तो ये तो था मेरा 3 BHK का फुली फर्निश्ड फ्लैट। इसमें आपको दोनों ऑप्शंस हैं, सेमी फर्निश्ड के भी और फुली फर्निश्ड के भी। 100 गज ऑन पेपर है ये, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, इसकी लोकेशन है बालुद्यान रोड, नियर में इसके आरएसमन रोड मार्केट रहने वाली है। 90% से 95% तक आपको लोन करवा कर दे देंगे। नीचे दिए हुए स्क्रीन पे कॉल करके आपको इस फ्लैट के बारे में या किसी भी फ्लैट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है। 1 BHK से लेके 4 BHK तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन्वेंट्रीज बहुत लिमिटेड रह गई हैं, तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि जल्द से जल्द अपना फ्लैट लेने का सपना जल्द से जल्द पूरा करें। थैंक यू।